गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पहले पिछली क्लास में मूल्यांकन का अर्थ पढ़ा था, मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है और मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, इन सब की जानकारी अपन ने देखी। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन की विधियाँ कि हम कौन कौन सी विधियों से मूल्यांकन कर सकते हैं, और मूल्यांकन की कई सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम छात्रों के सफलता का, उसकी उपलब्धि का, उसकी निष्पत्ति का, उनकी योग्यता का, उनकी रुचियों का, डिफरेंट टाइप की जितनी भी उनके क्षेत्र है उसका इवैल्यूएशन या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियों को अगर शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। पहला है परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। यह विधि वह है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में हुए वांछित परिवर्तनों को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी अंकों में जब हम अंकित करते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव, कई बार कहते हैं ना कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो जब हम मात्रात्मक रूप में वांछित व्यवहारों के परिवर्तनों को, व्यवहार में हुए परिवर्तनों का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। मूल्यांकन की इस प्रकार की विधियाँ उपयोगी, विश्वसनीय, वैध होने के कारण अधिक प्रचलित है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी क्वांटिटेटिव मेथड में कई सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसा कि पहला है मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बातचीत करना, इंटरव्यू लेना यानी साक्षात्कार करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। छात्राएं मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर देती है और दिए गए विषय पर आपस में वाद विवाद भी करते हैं अथवा किसी प्रतियोगी अथवा नाटक का हिस्सा भी लेती है। इसी आधार पर उनकी योग्यता, क्षमता अथवा गुण का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे किसी पोस्ट के लिए अगर हम साक्षात्कार करते हैं तो ये भी तो एक उसकी योग्यता का मूल्यांकन है कि उस विषय से संबंधित उसमें कितनी योग्यता है। इसी तरीके से दूसरा हम कह सकते हैं, जैसे MBA में प्रवेश परीक्षा होती है, MBBS की प्रवेश परीक्षा होती है, इस समय हम क्या करते हैं उनकी विषय से संबंधित योग्यता को जांचने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाओं के अतिरिक्त एक ग्रुप डिस्कशन भी रखा जाता है। ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसके कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। जब भी कोई हम ग्रुप डिस्कशन रखते हैं तो सिर्फ ये देखने के लिए कि विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम ओरल टेस्ट लेते हैं। दूसरा है लिखित परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों की योग्यता तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन अथवा अन्य किसी गुण विशेष का मूल्यांकन के लिए उसमें लिखित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा छात्राएं उनका उत्तर भी लिखित रूप में ही देती है। इसके आधार पर छात्रों के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है। लिखित परीक्षाएं भी दो तरह की होती है। हम लिखित में क्या करते हैं कि जनरली हम उनको लिखित प्रश्न दे देते हैं और उसका उत्तर देते हैं, तो उस विषय वस्तु से संबंधित उनको कितनी जानकारी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब लिखित परीक्षा भी दो तरह का है। पहला है ऐसे टाइप टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षा। इस प्रकार के परीक्षणों का सर्वाधिक प्रचलन है। इस प्रकार के परीक्षण में छात्राओं को प्रायः 8-10 अथवा इससे अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। इन प्रश्नों में कई आंतरिक तथा बाह्य विकल्प दिए जाते हैं। छात्राओं को 5-6 प्रश्न करने होते हैं और इन प्रश्नों को अन्य उत्तर छात्राओं को विस्तारपूर्वक लिखना होता है। इस प्रकार के परीक्षण का समय सामान्यतः 2.5-3 घंटे होता है और इस प्रकार के परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्राएं अपने विचारों और भावनाओं को पूर्णतः स्पष्ट कर सकती है, परंतु इसमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता का अभाव पाया जाता है। देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत जैसे BA MA वगैरह में क्या होता है कि हम लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उस विषय से संबंधित मूल्यांकन किया जाता है कि उसको कितनी जानकारी है।
तो जैसे एमए वगैरह में क्या है कि 10 क्वेश्चन देते हैं, 10 में से भी क्या क्या 5 करने होते हैं। यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में भी 2 में से कोई 1 करना, यूनिट 2 है तो 2 में से कोई 1 करना, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है कि कोई सा भी 1 करे। लिखित परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि वो अपने योग अपनी भावनाओं को, अपने जितने भी अंदर ज्ञान है उसको लिखित रूप में खूब अच्छे से व्यक्त कर सकता है। जितनी गहराई से उसको ज्ञान होता है वो उस गहराई को ध्यान में रखते हुए उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ किस लिए नहीं होता है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी की जान पहचान का है और अपन जैसे देखते हैं कि रोल नंबर वगैरह दे करके किस तरीके से, चाहे वो उसके लिए एबल है कि नहीं है, फिर भी उसको मार्क्स अधिक दे दिया जाता है। यदि हम लिखित परीक्षाओं की कॉपियाँ 3 लोगों से जाँच करवाएं तब भी उसमें समानता नहीं पाई जाती, इसलिए वो विश्वसनीय भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा प्रचलन तो निबंधात्मक प्रश्नों का है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी जो अभिव्यक्ति है उसकी मूल्यांकन हो सकता है, जो उनके लिखने की कला है, जो उनको अभिव्यक्त करने की कला है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वर्तमान में इस प्रकार के परीक्षण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के परीक्षण में छात्राओं को प्रश्नों के उत्तर बहुत ही छोटे रूप में देने होते हैं, अर्थात उन्हें बहुत कम लिखना होता है। इस प्रकार के परीक्षणों में लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम में से पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के परीक्षण पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होते हैं। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय है कि प्रश्न के उत्तर और मूल्यांकन में एक रूपता होती है। एक उत्तम परीक्षण में यह गुण होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति हो सकती है, मल्टीपल चॉइस वाले भी हो सकते हैं, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, मिलान वाले प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें विकल्प दिए जाते हैं, रिक्त स्थान के दिए जाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कुछ हिंट नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको गहराई से ज्ञान की आवश्यकता होती है, गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होती है, कहीं से भी इसको प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी इसका गहनता से अध्ययन करता है ताकि वह हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सके। तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षण। प्रयोगात्मक परीक्षण के अंतर्गत प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है, इस प्रकार के परीक्षण में छात्राओं को कोई निश्चित कार्य करने को दिया जाता है। छात्रों को दिए गए निर्धारित कार्य को पूरा करना होता है। इस परीक्षण प्रकार के परीक्षण में मानसिक क्रियाओं के साथ साथ छात्राओं के शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग विज्ञान के विभिन्न विषय, भूगोल, गृह विज्ञान, क्राफ्ट आदि विषयों में किया जाता है। उदाहरण के लिए क्राफ्ट की परीक्षा लेने के लिए छात्राओं को पायजामा सिलने को लिए कहा जाता है, और कुकिंग के अंतर्गत कुछ व्यंजन बनाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि नाम ही इसका प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो इसमें किसी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें कुछ क्रियाएँ की जाती है, और क्रियाओं के आधार पर ही उनका कार्य करवा के उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव टेस्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं, ओरल और रिटन और प्रैक्टिकल। इन तीनों के आधार पर जब मूल्यांकन करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है।